लोदी बेल लाइयो। हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो दोस्तों। तो सो दोस्तों, ये है धनतेरस वाले दिन का वीडियो। तो दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं सफाई में ही लगी हूँ दोस्तों। सफाई इतनी करो उतनी कम है, और यहाँ पर ये अपनी दुकान सजा कर बैठ गए हैं क्योंकि अभी इनको स्टिकर लगाने हैं इस पर, और ये लाए हैं बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए गिफ्ट पैक। तो ये पैक है दोस्तों, ये 4 नमकीन और 1 मीठा है, रसगुल्ले हैं, नमकीन है। तो ये पैक बहुत प्यारा है, तो ये लेकर आए, कम से कम 15-20 से ज़्यादा ले आए हैं। और ये दिए का पैकेट है, तो ये दिवाली में डॉक्टर्स को ये गिफ्ट कर रहे हैं, इस बार दिए के साथ साथ दे रहे हैं स्वीट्स और नमकीन। दिवाली के त्यौहार में ना आप इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि दियों के साथ साथ आप मिठाई और नमकीन देंगे। तो मैंने भी सोचा चलो अच्छी बात है, ये दोनों ही पैक बहुत अच्छे हैं दिवाली को देखते हुए। आपको कैसे लग रहे हैं ये गिफ्ट? आई होप सो कि मेरा समझना सही है और हम लोग का ये काम अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो ये हमारे डॉक्टर्स, केमिस्ट और रिटेलर के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारा सा ये पैक है। आपको ये पैक कैसा लगा ये बताइएगा। ये वाला देखिए, इसमें 4 पीस नमकीन है 4 तरह का, और 1 मीठा है, रसगुल्ले हैं छेने के। और ये देखिए कितनी सुंदर पैकिंग है, और इसमें अपना प्रोडक्ट फ्लैश कार्ड रिमाइंडर जो भी है हमने लगा दिया है। ये हमारी कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी गैस्ट्रो डिवीजन की, ये हमारी फार्मा कंपनी है खुद की, जेटांस फार्मास्यूटिकल के नाम से। और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि ये कंपनी हमारी बहुत बड़ी बन जाए। तो दोस्तों, मैं बना रही थी यहाँ पर ये जो बर्फी है ना, इसको मैंने तवे पे अच्छे से ठीक है गरम कर लिया। दो पीस बर्फी रखी थी, कोई खाने को तैयार नहीं था दोस्तों, तो मैंने उसको तवे पे अच्छे से भून लिया है। तो ये खोया बन गई। इसमें थोड़ी सी हम चीनी डाल देंगे, और चीनी डाल के इसकी हम बनाएंगे कचौड़ी या पराठे। तो ये मैं खाऊंगी क्योंकि अभी 3 बज रहा है और मेरे को भूख लग रही है। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, और यहाँ पे पूर्ति के लिए पूरी बना दी थी, पूर्ति पूरी और नमक खा रही हैं, इनको बहुत पसंद है आलू की सब्जी। और मैं खाने में बनाऊंगी ये अरबी की रेसिपी। और आज यहाँ की सारी सफाई कर दी हमने, फ्रिज भी साफ कर लिया है दोस्तों, फ्रिज के अंदर के इंस्ट्रूमेंट भी साफ कर लिए, और ये सब मैंने क्लीन कर दिया है ये सब। और यहाँ पे पेपर बिछा के बस सामान लगाना है, यहाँ पे भी सब हमने क्लीन कर दिया है, सब जाले वाले जो भी थे सब क्लीन कर लिए हैं, और बर्तन भी सारे ही मंज गए हैं आज, और ये सब भी साफ कर लिया है। हेलो दोस्तों, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो दोस्तों। आई होप सो कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे, और दिवाली की शॉपिंग और दिवाली के एंजॉयमेंट के लिए बिल्कुल इंजॉय कर रहे होंगे, और खुशियाँ होंगी सभी के मन में। तो दिवाली आ गई दोस्तों, इसको मैंने तो अभी अच्छे से भून लिया था, और इसमें हमने चीनी मिला दी है, और ये देखिए बिल्कुल खोए की तरह हो गया है। ये देखिए, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। 2 पीस बड़ा सा मीठा रखा हुआ था, तो अब चलिए इसका हम पराठा बनाते हैं। पराठा बनाने के लिए हम ले लेते हैं आटा मैंने मल के रख दिया था। लोई भी हमने बना ली थी, लेकिन वो मीशो वाला आ गया ना, तो वो साड़ी वाला कोरियर वाला आ गया, तो इसलिए फिर हमने उसको छोड़ दिया। ये देखो चूहा, ये चूहा चुरा रहा है मेरा आटा, चल ले पकड़, चूहा है मेरा, चूहा काम नहीं करने देता है दोस्तों, चल जा यहाँ से चूहा, भाग भाग जल्दी से चूहा, भाग 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 भाग। तो यहाँ पर सारे बर्तन ऑलमोस्ट हमने धुलवा लिए हैं उससे, तो इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे। और यहाँ से इसमें से ही ये ले लेंगे हम, क्योंकि इसमें मैंने चीनी भी डाली है। तो इसके मैं 3 पराठे बनाऊँगी, 2 या 3, और इसको इस तरीके से इसको हम फोल्ड करते जाएंगे, इस तरीके से हम पैक कर देंगे ताकि ये लीक ना हो। इस तरीके से इसको हम बेल लेंगे, और दूसरी साइड में हम कढ़ाई चढ़ा देंगे, उसमें ऑयल घी जो भी आप देसी घी में बनाएंगे तो और टेस्टी लगेगा, लेकिन मैं इसमें ऑयल में बना रही हूँ अभी, तो मैं इसको ऑयल में बनाऊँगी क्योंकि
मेरे हस्बैंड को ये सरसों का तेल नहीं नुकसान करता, बाकी सारे ऑयल वगैरह भी नुकसान कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए अच्छे से, इसको हम हल्के हाथों से इसको हम रोल ऑन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक पूड़ी बना ली है स्टफ करके, ये बर्फ़ी। और यकीन मानिए अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन है ना, तो ये देसी स्टाइल मिठाई बनाकर तो देखिए बहुत टेस्टी लगेगी। और एक हिसाब से देखा जाए तो ये मालपुआ टाइप का है और कुछ नहीं, लेकिन मुझे मेरे पिताजी, जब मेरा बृहस्पति का व्रत रहता था तो मेरे पापा मेरे को बर्फ़ी भर के, मतलब इस तरीके से पराठा खिलाते थे देसी घी का। मैं विष्णु भगवान का व्रत रहती थी ना, तो वो ज़रूर बनाते थे, लेकिन वो देसी घी में बनाते थे और उनके हाथ का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि उनका कैटरिंग का काम रहता था ना, तो वो तो बिल्कुल अलग तरीके से बनाते थे दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको। तो इसको हम कट करेंगे, कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर, देखिए स्टफिंग दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए बहुत गर्म है क्योंकि अंदर चीनी भी है, तो हाथ जल सकता है। ये देखिए इसके अंदर आप और भी कुछ स्टफिंग कर सकते हैं। और ये पूड़ी यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगती है, आप इनको व्रत वगैरह में भी खा सकते हैं। मेरे पापा जब मैं व्रत रहती थी ना विष्णु भगवान का, तब वो मेरे लिए इसी तरीके की पूड़ियाँ बनाते थे दोस्तों, और बना करके हमें देते थे व्रत खोलने के लिए। आई होप सो कि आपको ये आज की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे से नई सी रेसिपी के साथ, नए से ब्लॉग के साथ। वीडियो को प्यार दीजिए, और भी कई नई रेसिपीज़ हैं हमारे पास, ट्रेडिशनल है, नई नहीं है, ये सब सारी रेसिपी बहुत ही ट्रेडिशनल है। अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, और इस तरीके से एक बार बना के, ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करके और कमेंट ज़रूर करिए कैसी लगी हैं, कमेंट में बताइए, ताकि मैं और भी रेसिपीज़ बनाऊँ। काफ़ी दिन पहले मैं रेसिपी ही शेयर करती थी दोस्तों, और ब्लॉग भी शेयर करती थी, लेकिन अब ना मैं रेसिपी शेयर नहीं करती, क्योंकि आप लोग का प्यार नहीं मिलता मेरी रेसिपीज़ को। मेरी रेसिपीज़ बिल्कुल ट्रेडिशनल रहती हैं, मतलब कि थोड़ा सा ओल्ड रहती हैं, बट मेरी रेसिपी में टेस्ट के साथ साथ हेल्थी भी रहती हैं। और बहुत सारे लोग ना आजकल वीडियो को प्यार ही नहीं देखते, मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे हैं, और साथ में समझ सकते हैं कि वीडियो बनाने में मेहनत के साथ साथ ना टाइम बहुत लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने और भी पूड़ियाँ बेल ली हैं, और स्टफिंग करके और भी पूड़ियों को बना लेते हैं। तो इतनी बर्फ़ी में मेरी 4 से 5 पूड़ियाँ अच्छे से बनी थी। सो दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार ज़रूर बनाकर खाएं, ये बहुत टेस्टी लगती है, और पूर्ति खड़ी हुई है पूड़ी के लिए। और इनको मीठा नहीं पसंद है दोस्तों, ये मीठा नहीं खाती हैं, राइस नहीं खाती हैं, इनको आलू की सब्जी का रसा और आलू दोनों पसंद है, लेकिन उसमें सब्जियाँ और टमाटर ना पड़े। तो प्याज लहसुन तो मेरे यहाँ खाया ही नहीं जाता है दोस्तों, लेकिन हाँ टमाटर के बहुत शौकीन हैं हम। आखिर ग्रेवी किससे बनाएंगे, हींग जीरा और टमाटर और कुछ गरम मसालों से मैं बनाती हूँ। उनको टेस्टी लगती है तभी खाती हैं, और सूर्यांशी फिर भी थोड़ा बहुत वेजिटेबल खा लेती हैं, लेकिन ये बहुत नाटक करती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी पूड़ी बनकर रेडी हो चुकी हैं, और यकीन मानिए इस टाइम अगर गरम गरम खाएंगे ना, थोड़ा ध्यान से खाइएगा, लेकिन थोड़ा ठंडा करके हल्का गुनगुना, क्योंकि बहुत टेस्टी लगती हैं। इसी तरीके से मैंने 6 पूड़ियाँ करीब बना रही थी दोस्तों, और रख ली थी, उसमें गरम गरम मैंने 2 पूड़ियाँ खाई थी उसके बाद, कि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी दोस्तों, इतना काम रहता है त्यौहार पे कि क्या बताऊँ। यहाँ पर देखिए जरा सी हटे नहीं कि अपना शुरू क्या कर रही हो, लोटी बेल रही हो, बस करो, बहुत बड़ी रोटी हो गई, ये पूड़ी नहीं, पूड़ी का पिताजी लग रहा है। हाँ ये किसकी पूड़ी है, तुम खाओगी? अच्छा ये मीठी वाली खा लो, मीठी वाली मम्मी खाते, अरे खा लो बहुत टेस्टी लगती है, खा लो मम्मी, इसको पकाओ ना। अरे इसको पटकोगी तो उसे छेद हो जाएगा, कैसे बनाएंगे? देखिए दोस्तों ये पूड़ी मेरी पूर्ति ने बेली है, मेरी दोनों लड़कियां इतनी करता है तब भी मुझे काम नहीं खत्म होते, देख रहे हैं? ये देखिए शैतानी चालू है दोस्तों, शैतानी में कोई कमी नहीं है, शैतान गुड्डा, ये धोती तो टूटी हो गई, चिपक गई।
रोटी बना देंगे अभी देंगे देखो छूना नहीं इसको तो मीठा है हाँ ये मीठा है और जल भी रहा है कच्चा है छूना नहीं हमको डरता है ये क्या हनुमान जी बनी हुई हो अरे मां जी ने आटा दो ना छूना नहीं उसको आटा दो और ये देखिए पूर्ति की बनाई हुई पूरी है ये सादी पूरी अपने लिए बनाई है हाँ दे रहे ये पूर्ति ने बनाई है दोस्तों जिंदगी में पहली बार तो हमने इसकी पूरी बनाई हुई बनाई है ये पहली पूरी है जीवन की मेरी पूर्ति की सबसे पहली पूरी है जो कि मैंने बना भी दी है अब गैस को ऑफ कर देंगे और पूर्ति को ही खिला देंगे हम नमक डाल के बहुत बड़ी कर दी है दोस्तों पतली हो गई लेकिन बड़ी हो गई है तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे मिलेंगे नए वीडियो के साथ हैप्पी दिवाली टू ऑल